जी मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपको वाराणसी, आप कब आए, आपको कितने लंबे टाइम बाद आए हो वाराणसी आप, और कैसा अनुभव है वाराणसी को लेकर? लेकिन बचपन में मैं बहुत बार वाराणसी आ चुकी हूँ, मेरी नानी का घर हुआ करता था यहाँ पे, तो मैं वाराणसी कई बार आई हूँ बचपन में, और उस टाइम पे बिल्कुल अलग होता था। लेकिन जब 3 साल पहले आई थी 2019 में, मतलब कई सालों के बाद, तो मुझे बिल्कुल अलग लगा, मतलब काफ़ी एक्चुअली टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग हो गए, जैसे बाबा विश्वनाथ को आप छूके और यू नो पूजा नहीं कर सकते होंगे जो मैं बचपन में करती थी, पर बाकी सब कुछ मोरली सेम ही था। लेकिन इस बार आके एकदम से वाराणसी का, मतलब बनारस का, एक अलग ही रूप देखने को मिला, सो मच मोर स्पेशियस, सो मच मोर नीट एंड क्लीन, और मतलब स्पेशली बाबा विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि बाबा विश्वनाथ और उसी के लिए ही लोग आते हैं, तो वहाँ पे इतना अच्छा सड़क हो गया है, और मतलब देखिए एकदम पहचान में नहीं आ रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फॉर सम रीज़न आज वापस से भगवान को छू के उन्होंने आरती की, पूजा किया है, और बिल्कुल बचपन की यादें ताज़ा हो गई, और फिर यहाँ पे आए गंगा घाट, यहाँ पे गंगा आरती देखने से, लेकिन इस बार अलग अक्षय कुमार आए थे और वो भी अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अमेजिंग। और मैं ये देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर आए थे, ऑब्वियसली गर्मी में तो किसी का कंट्रोल नहीं है, पसीना सबको आ रहा था, मुझे भी आ रहा है, पर जिस तरीके से बच्चे को लेकर आ सकते हैं, मतलब एकदम वो ऑर्गेनाइज, मुझे